मोदी जी के भाषण में और राहुल जी के भाषण में एक अंतर है। मोदी जी का भाषण सुनकर हम बीजेपी को वोट देने के लिए प्रेरित होते हैं और राहुल जी का भाषण सुनकर हम बीजेपी को वोट देने के लिए मजबूर होते हैं। ये बढ़िया था गुरु। तो राम राम मेरे प्यारे आईवनों की हलचल में जामा एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पेट्रियट में और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। एज ए लॉयर मैं योगी जी से ये कहूंगा कभी थोड़ा सा तो क्राइम होने दीजिए जो हमारा भी रोजी रोटी चलते है थोड़ा सा चल जाए तो हमारी भी रोजी रोटी चलती रहेगी। रोटी देंगे क्या कर रहे हैं, मजाक है योगी जी, सीरियस मत लेना, कभी नया मुकदमा मेरे भी हो जाए। जब से मोदी जी और योगी जी की सरकार आई लगता है तब से हमारे एडवोकेट भाई लोगों का धंधा थोड़ा मद्दा पड़ गया है क्योंकि योगी जी कोर्ट कचहरी में कम राम नाम सत्य में ज्यादा ही विश्वास रखते हैं। देखो हम राम को ही लाते नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। ये है हमारे योगी जी और ये है हमारा आज का उत्तर प्रदेश और आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने उत्तर प्रदेश का जंगल राज भी देखा होगा बट योगी जी और मोदी जी के सत्ता में आने के बाद से शायद आप लोग उत्तर प्रदेश के इस जंगल राज को भूल गए होंगे और अगर गलती से भी अखिलेश यादव दोबारा से सत्ता में आते हैं तो आइए आपको उस जंगल राज की एक छोटी सी झलक भी दिखा देते हैं। देखिए सबको करेंगे, सबको वोट मांगेंगे, 70 वोट मांगेंगे, हम तो 70 वोट मांगेंगे हैं, जो देगा देगा, नहीं अपने लोग तो ही इतने तो लाखों से जीता अपने तो है ही सब देंगे वोट, सब देंगे वोट और तय अच्छा बताओ तय तो दे नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। ये पुरानी वीडियो नहीं है, ये अभी की ही वीडियो और अभी तो ये लोग सत्ता में भी नहीं उसके बावजूद भी इनकी ये हालत है कि वोट दोगे तो ठीक है वरना हिसाब किताब कर देंगे। सोचिए यदि इस विचारधारा की पार्टी दोबारा से सत्ता में आती है तब उत्तर प्रदेश की क्या सिचुएशन होगी, उत्तर प्रदेश में वही जंगल राज फिर से आ जाएगा। हर वो काम जिससे अल्लाह ताला खुश होता है उसे क्या कहते हैं, इबादत कहते हैं। तो इबादत कहते हैं, दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? शैतान खुश होगा और शैतान तो चाहता है ना कि अल्लाह की इबादत और इताअत से मोड़ करके हटा करके तुमको किसी गैर की तरफ लगा दे, है कि नहीं है। आप अपने बच्चों को भाईचारा सिखाते हैं बट देखिए कि वो लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं और ये हमारे ही देश की वीडियो कहीं बाहर की वीडियो नहीं है। ये बचपन से ही अपने बच्चों के दिलो दिमाग में हिंदुओं के प्रति नफरत बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद अगर ये कहीं भी फटते हुए नजर आते हैं तो कोई भी ताज्जुब नहीं होता है। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया। हाँ भाई ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया, शायद मेक माई ट्रिप ने बनाया होगा और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको वीडियो में आगे पता लग जाएगा। ये चुनाव 2-3% 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया जिसका नाम रखा गया है न्याय पत्र, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका नाम न्याय पत्र नहीं अगेंस्ट मोदी पत्र होना चाहिए था क्योंकि यदि आप इनका घोषणा पत्र पढ़ेंगे तो आपको यही लगेगा कि इनका घोषणा पत्र मोदी जी के ही इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। चाहे मोदी जी की देश हित में जो योजनाएं हो चाहे देश हित में जो नीतियां हो, कांग्रेस पार्टी का ये घोषणा पत्र मोदी जी की उन नीतियों को बंद करने व बदलने का काम करते हुए ही नजर आ रहा है और अगर इसके अलावा इस घोषणा पत्र में कुछ भी बचता है तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्री की रेवड़ियां ही बांटता हुआ नजर आ रहा है। और यदि कांग्रेस से पूछा जाए कि अपने घोषणा पत्र में ये जो तुम फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हो उसके लिए पैसा कहां से आएगा तो शायद कांग्रेस का जवाब यही होगा कि उसके लिए तो हमारे जॉर्ज सोरस भैया ने अपनी तिजोरियां खोल रखी हैं। मोदी सरकार ने जो भी योजनाएं चलाई हैं, जो भी कानून लाई है, कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो उन सभी नीतियों को व उन सभी कानूनों को बदल देगी या बंद कर देगी और कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में पर्सनल लॉ के चयन की स्वतंत्रता का वादा किया है और इससे होगा क्या कि जो बहुविवाह है वो आसानी से होने लगेगा, सरिया कानूनों सहित और अन्य कानूनों में अस्पष्टता आ जाएगी। यदि गलती से भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो मुस्लिम आबादी सरिया कानून द्वारा शासित होने की मांग करने लगेगी, बहुविवाह पर लगी रोक को हटाया जा सकता है और 3 तलाक के कानून को भी रद्द किया जा सकता है, यानी कि कांग्रेस फिर से मुस्लिम बहनों को उसी स्थिति पर पहुंचा देगी, वो अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं रह पाएंगी, कभी भी उनके शौहर के द्वारा 3 बार तलाक 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 बोलकर उनका किस्सा खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा इस कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है यह समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पर कांग्रेस पार्टी की स्पष्टता को दिखाता है। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो यूसीसी समान नागरिक संहिता को खत्म कर दिया जाएगा
जाएगा और कोई बड़ी बात नहीं, कश्मीर में धारा 370 दोबारा से लगा दी जाए। आज मोदी सरकार ने हमारे देश में जितने भी बदलाव किए हैं, जितने भी सुधार किए हैं, अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती तो हमारे देश को पुनः उसी स्थिति में पहुंचा देगी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में यह भी कहा कि यदि उनकी सरकार बनती है तो गरीब परिवार की महिलाओं को हर साल 1,00,000 रुपए देगी। बहुत अच्छी बात है, सुनने में भी अच्छा लगता है और कहने में भी अच्छा लगता है। बट इसके बाद एक सवाल और उठता है, ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी इतना रुपए कहां से देगी, अपनी जेब से देगी या फिर जॉर्ज सोरस की जेब से देगी। ये बेचारे फ्री की रेवड़ी बांटने पर लगे हुए हैं, ये कैसे भी जनता इन्हें वोट करके बस कुर्सी पर बैठा दे। आज के समय में हमारा देश वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट जीडीपी वाला देश बन चुका और आने वाले कुछ सालों में 3rd लार्जेस्ट जीडीपी वाला देश भी बन जाएगा। बट यहीं पर कांग्रेस का कहना है कि 1990 और 1991 में भारत की जीडीपी 25,00,000 करोड़ थी, जो कि 2003 से 2004 तक दोगुनी होकर 50,00,000 करोड़ हो गई, और उसके बाद यूपीए सरकार के 10 सालों में जीडीपी को फिर से दोगुना करके 100,00,000 करोड़ कर दिया गया। तो कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में जो जीडीपी की ग्रोथ थी वो धीमी रही और 2023-24 तक केवल 173,00,000 करोड़ तक ही पहुंची। तो अब यहां पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अगर उनकी सरकार दोबारा से सत्ता में आती है तो वो देश की जीडीपी को आने वाले 10 सालों में दोगुना कर देंगे, 200 करोड़ तक पहुंचा देंगे, यानी कि 2034 तक। बट अभी मोदी सरकार की वजह से हमारे देश की जीडीपी जिस रेट से ग्रो कर रही है, आने वाले 6 सालों में हमारे देश की जीडीपी डबल हो जाएगी, यानी कि 2030 तक। बट वहीं पर कांग्रेस पार्टी का जो लक्ष्य है वो है 2034 तक, यानी कि आने वाले 10 सालों में। और यदि हम लोग देखें तो 2023-24 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारत की जीडीपी 8.4% की दर से बढ़ी है और हमारा देश सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन रहा है। तो वहीं यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने बताया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो इस दशक के अंत तक यानी कि 2030 तक 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की हो जाएगी और अब से 2034 तक 15 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। और यदि इस समय पर हमारे देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार गलती से भी सत्ता में बैठी होती तो कोरोना जैसी महामारी हमारे देश की लुटिया कब की डूब चुकी होती। जहां कोरोना जैसी महामारी में अच्छे अच्छे देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा गई, बट हमारे देश की अर्थव्यवस्था वैसे ही खड़ी रही। फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने अपना ये जो मैनिफेस्टो जारी किया, इसके जारी करने के कुछ ही देर बाद अपनी फजीहत भी करवा ली। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इनका जो मैनिफेस्टो वो शायद कांग्रेस ने नहीं, मेक माई ट्रिप ने लिखा होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने देश की हालत बदतर दिखाने के लिए न्यूयॉर्क शहर व थाईलैंड की कुछ तस्वीरों का उपयोग किया है, वो भी 10 साल पुरानी तस्वीरों का। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वाटर मैनेजमेंट पर जो फोटो दी गई है वो न्यूयॉर्क की बफेलो नदी की है, वो भी 10 साल पुरानी। शायद राहुल गांधी जी कभी न्यूयॉर्क घूमने गए होंगे तो उन्होंने इस पिक को क्लिक कर लिया होगा और उन्होंने बोला होगा कि मैंने इतनी मेहनत से पिक क्लिक किया तो आइए इसका ही उपयोग कर लेते हैं। या फिर ये बेचारे कांग्रेसी भूल गए होंगे कि मैनिफेस्टो बना रहे हैं या फिर राहुल गांधी की ट्रिप का प्लान बना रहे हैं। बट कांग्रेस पार्टी ने सबके अलावा भी अपने मैनिफेस्टो में बहुत बहुत महान बातें की हैं कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो देश में वन नेशन वन इलेक्शन वाली पॉलिसी को कभी भी लागू नहीं होने देंगे और जो नई शिक्षा नीति मोदी जी लेकर आए उसमें भी बदलाव किए जाएंगे, यानी कि एक बार फिर से हम लोग अकबर, बाबर व औरंगजेब की झूठी वीर कथाओं को पढ़ने के लिए फिर से तैयार हो जाएं। जिन इस्लामिक आक्रमणकारियों ने हमारे देश को लूटा, एक बार उन्हें फिर से महान बनाकर पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही साथ बीजेपी सरकार में जो दंगाइयों पर, पत्थरबाजों पर बुलडोजर की कार्रवाई होती थी उसे भी रोक दिया जाएगा, यानी कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद जो दंगाई है, जो पत्थरबाजों ने, एक बार फिर से पूरी छूट मिल जाएगी। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि लोग इन चुनावों को जाति, धर्म व मजहब से ऊपर उठकर देखें। ये सब सुनने और कहने में तो काफी अच्छा लगता है और बहुत से हिंदू ऐसे भी हैं जो इनकी बातों में आ जाएंगे, बहकावे में आ जाएंगे और कहेंगे हाँ सही बात है। बट वहीं दूसरी तरफ ये कांग्रेस ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम जाति जनगणना भी करवाएंगे, मतलब कि खुद ही थूक कर चाट लिया। एक तरफ कह रहे हैं कि जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर देखो, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो जाति जनगणना करवाएंगे। जाति जनगणना को हम आपके लिए जल्दी से जल्दी करवा देंगे। दिल्ली में सरकार आएगी, जैसे हमने यहां कहा था, 2 घंटे में काम शुरू हो जाएगा। जाति जनगणना की मैंने बात कर रखी, पार्लियामेंट में रखी, हम करवाएंगे, चाहे बीजेपी करवाए ना कराए, हम उन पे ऐसा दबाव डालेंगे उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे परे हो जाओ, हम करेंगे। वैसे मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहूंगा कि अगर आपकी पार्टी गलती से भी सत्ता में आ जाती है तो जाति गणना सिर्फ हिंदुओं की ही करवाई जाएगी, हमारे मुस्लिम समाज की भी करवाई जाएगी, या सिर्फ हिंदू समाज को ही जातिवाद में बांटा जाएगा, ये बताने का कष्ट भी अवश्य कीजिएगा। आज एक तरफ मोदी जी हैं जो 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने और अगले कुछ वर्षों में देश को दुनिया की तीसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाने की घोषणा कर रहे हैं, बट वहीं कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो प्रगतिशील कम दिखावा ज्यादा नजर आ रहा है। बाकी का आगे सब आपके हाथ में है कि आपको कौन सी सरकार चुननी है, हिंदुओं को जातिवाद में बांटने वाली, सनातन को देश को समृद्ध बनाने वाली। आप इनकी भाषा की मर्यादा देख सकते हैं, जैसे लग रहा हो कोई गली का गुंडा बोल रहा हो। चंद्रशेखर जी से मेरा बस इतना ही कहना है कि पहले ग्राम प्रधान का चुनाव जीत लो, उसके बाद विधायक व सांसद बनते रहना। मैं बॉम्बे से हूँ एंड मैंने 1 साल पहले मैरिज की थी, बट वो बॉय मुस्लिम था एंड मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूँ, पर हमारी मैरिज जमी नहीं क्योंकि
उसको चाहिए था कि मैं इस्लाम एक्सेप्ट करूं और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करूं, जो मुझसे नहीं हुआ। और वो हिंदुइज्म की बहुत इंसल्ट करता था एंड भगवान के ऊपर बहुत गलत कहता था, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था एंड मुझे मारता भी था। और उसकी फैमिली भी फोर्स करती थी कि मैं इस्लाम एक्सेप्ट करूं और उनके तौर तरीके से रहूं, जो मुझसे नहीं हुआ। मैंने ट्राई किया एडजस्ट करने की, बट देन नहीं हुआ, तो मैंने फिर अभी डिसीजन लिया कि मैं डाइवोर्स ले लूं। बट अभी रिसेंटली मैंने स्लीपिंग पिल्स खाए थे ताकि मैं सुसाइड कर लूं, बिकॉज बहुत हैरेस हो चुकी थी एंड बहुत मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब हो गई थी। बट देन अभी बच गई, तो अभी मैं चाहती हूँ कि एक न्यू लाइफ स्टार्ट करूं एंड अपनी फैमिली को खुश रखूं, डाइवोर्स ले लूं। असली दिक्कत तो यही है, इन्हें तब तक समझ में नहीं आता जब तक खुद इन पर ना बीते। कोई कितना भी समझाए, ये समझाने वाले को ही ये बोल देंगे कि तुम तो समाज में नफरत फैला रहे हो, और फिर बाद में रोती हुई आएंगी कि कोई हमें बचा लो, कोई हमारी हेल्प करो, कोई हमारी मदद करो। बाकी का आप सबसे यही आग्रह है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा, शायद आपके शेयर करने से किसी एक की बुद्धि खुल जाए और उसे लगने लगे कि हाँ, उसका अब्दुल भी एक जाए। तो बस मेरे प्यारे आई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।